अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आज हम बना रहे हैं मटन बिरयानी, और जिसके लिए मैंने इलेक्ची में ऑयल ले लिया हाफ कप, और उसमें मैंने आधा किलो जो है मैंने मटन लिया, और इसमें मैं खड़े मसाले डालूंगी 3-4 छोटी काली मिर्चें, 1-2 लौंग, और एक छोटा टुकड़ा जो है दालचीनी का। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। अब यहाँ मैं मसाले ऐड करूँगी जिसमें मैंने डाला है 1 चम्मच चाय का चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है इसमें हल्दी, और 1 चाय का चम्मच कूटा हुआ धनिया, और नमक आपके हिसाब से जायका। इन मसालों को डाल के मैं अच्छी तरह से इसको फ्राई करूँगी, स्टर फ्राई करना है 7 से 8 मिनट के लिए, और फिर हम इसमें 1-1 टेबल स्पून पानी डालेंगे ताकि मसाला नीचे से जले नहीं। और मैं इसको स्टर फ्राई करूँगी 5 से 7 मिनट के लिए, और यहाँ पे मैंने 2 से 2.5 कप जो है मैंने पानी डाला है, ये आपके मटन के हिसाब से डलेगा। और इसको मैं तकरीबन 1 घंटा पकाऊँगी हल्की आंच पे, लो टू मीडियम आंच पे आपने इसको पकाना है। ये देखें, ये आराम से टूट रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पर 80% तैयार हो गया मटन। हमारा चूँकि 1/2 किलो मटन था, तो इसमें मैं 1 कप तकरीबन टमाटर डालूँगी। हाँ, मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर जो हैं वो ग्राइंड कर लिए थे, और वही मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ, और साथ ही मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून। और अगर आपको तीखा पसंद है तो आप 2-3 चम्मच मिर्चें भी डाल सकते हैं इसमें, जो कि मैं आगे ऐड करूँगी। और मज़ीद हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए पकाएँगे ताकि ये अच्छी तरह से टमाटर और शोरबा जो है वो कम्बाइन हो जाए, और एक अच्छी सी ग्रेवी इसकी तैयार हो जाए। उसके बाद हम इसकी लेयरिंग करेंगे। ये देखें कितना अच्छा ये पक गया, और इसमें मैंने 2 छोटे आलू भी काट के डाल दिए थे। अगर आपको आलू पसंद नहीं है बिरयानी में तो आप स्किप कर सकते हैं। और अब यहाँ मैं लेयरिंग शुरू करूँगी। यहाँ मैंने नीचे शोरबा डाल दिया, थोड़ा सा रहने दिया ताकि ये नीचे लगे नहीं। यहाँ मैंने 2 से 2.5 गिलास चावल लिए हैं, जिनको मैंने 70-80% मैंने इनको कुक किया है। बस यहाँ पर मैं पहली लेयर चावलों की दूँगी, उसके बाद फिर मैं इसमें ऊपर सालन डालूंगी, और फिर उसके ऊपर मैं चावलों की लेयर डाल के, और ऊपर जो भी कलर आपको पसंद है ऑरेंज येलो वो डालेंगे। और आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं फ्राइड अनियंस ऐड कर सकते हैं, कटा हुआ धनिया पुदीना ऐड कर सकते हैं। इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, और इंशाल्लाह 15 मिनट के बाद आपकी खुशबूदार बिरयानी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।